ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। नहीं, दशम अध्याय, अध्याय 10, श्लोक संख्या 7। अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है व मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त है, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी है और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्ष भाव न बढ़ते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नाम श्रेष्ठं मनमपि शक्तिपुत्रमात्रस्वरूपं रूपं तस्यागजमरुपरिं मातरिं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधव सम्प्राप्तो यस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखा हरे कृष्ण Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, Yatharup, as it is. Srila Prabhupada ka Krishna Bhakti ka prachar karne ke liye ek मुख्य उपाय या अस्त्र है. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भक्ति प्रचार के सब उपाय में मुख्य और श्रेष्ठ है. इनकी दिव्य ग्रंथों का वितरण करना. और एक बार श्रील प्रभुपाद उनके कुछ शिष्यों से पूछे तो क्यों हम पुस्तक वितरण को इतना जोर देते. और श्रील प्रभुपाद स्वयं उनको उत्तर दिए, क्योंकि ये ज्ञान का वितरण है. हमारी पूरी बौद्धिक अवस्था का मूल कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या. अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हम गुरु को प्रणाम करते हैं क्योंकि गुरु वो व्यक्ति है जो हमको, हम जो अज्ञान का अंधकार में अनादिकाल से सांसारिक कष्टों भोगते हैं, हमको वो ज्ञान देते हैं जिससे हम भवबंधन से मुक्त हो सकते. तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान विशेषकर भगवद गीता में संकलित है. संक्षिप्त रूप में भगवद गीता में है और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में. तो विशेषकर हमारे इस्कॉन के सदस्यों इस भगवद गीता का वितरण करते हैं भारत में और भारत के बाहर. भारत के बाहर अधिकांश लोग जो कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से कृष्ण भक्ति में आते. मेरा स्वयं की अनुभूति थी कि वो पहले श्रील प्रभुपाद की कृष्ण पुस्तक पढ़ के इसको मंदिर गया था, भक्तों से बातचीत की और इस प्रकार भक्तों उनके अनुग्रह से मुझको ग्रहण किया उनका समाज में. तो विशेषकर
विदेश में लोग जो भक्ति में आते हैं जो भक्ति में नहीं थे, तो विशेषकर श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप पढ़ने से आता है, तो ज़्यादा लोग तो प्राप्त करके भी तो पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ी पुस्तक है ना। और आजकल लोग का धैर्य नहीं है, तो खाली 2 सेकंड का SMS या ट्विटर मैसेज ऐसे पढ़ना चाहते हैं और उसके ज़्यादा नहीं। स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करते, वो नोटबुक वो सब विषय जो पढ़ते हैं उसका नोट्स मिलते हैं, उसका सारांश पढ़ते हैं, तो वो एक बात है। तो बड़ी पुस्तक देखने से बहुत कम लोग की उत्साह होते हैं तो उसको पढ़ना। और दूसरी बात है कि भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सोपान होते हुए भी तो सामान्य अज्ञान तिमिरंध अज्ञानी लोग की बुद्धि के अतीत है। ये विषय क्या है उनको नहीं मालूम और उसको समझना कठिन है, और उसमें बहुत कठिन शब्द है जो लोग नहीं समझते, रजोगुण सत्वगुण प्रभुभा नहीं, वो भारत में ये सब शब्द सामान्य है, भगवद गीता में कुछ शब्द है जो लोग नहीं समझते, नहीं तो संस्कृत जो भगवद गीता में सरल है, तो फिर भी ज़्यादा लोग तो उसमें रुचि नहीं लेते। सूरत नगरी में कितने लोग रहते हैं? 1 करोड़ इतना ज़्यादा नहीं है, 70 लाख ऐसे। और कितने लोग यहाँ है? 100 ऐसे 100 लोग। तो कितने लोग रुचि लेते हैं भगवद गीता की चर्चा के बारे में? कम लोग। और हमारे इस्कॉन भक्तों के बीच में भी हम देखते हैं कि कम लोग रुचि लेते हैं भगवद गीता की चर्चा में। यदि हम कुछ कथा जोक्स, यदि हम जोक्स कहेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन ये विषय है जो बहुत गंभीर है, भगवद गीता का विषय, उसको सुनना चाहिए। तो विषय क्या है? नहीं वो बात तो पूरा नहीं किया कि भारत में भी तो नंबर 1 बुक जो हम वितरण करते हैं भगवद गीता, तो आज तक हिंदू समाज में तो बहुत से लोग की रुचि है या आकर्षण है भगवद गीता पर। फिर भी भारतीय लोग के लिए भी, सामान्य लोग के लिए भगवद गीता का विषय वैसे कठिन लगता है। राजा विद्या, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम। राजा विद्या का मतलब ये उत्तम विद्या है, और राजगुह्य इसका मतलब कि वो उत्तम विद्या आसानी से समझ नहीं पाते, गुह्य रहस्यम ही है, रहस्य है। तो बहुत दिन पहले जब इंग्लैंड में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण किया था, तब
कभी कभी हम किसी रास्ते में लोग से मिलन किया और कुछ लोग हमसे पूछे कि ओ, कुछ महीने के पहले आप लोग से एक भगवद गीता मिली और प्रयास किया उसको पढ़ना, लेकिन विषय समझ विषय उसमें जो है तो उसको समझ नहीं पाता, तो फिर हमारे भक्तों ऐसे हाल में तो ऐसे लोग को सरल भाषा में सब कुछ बताया कि वो पहले बात है कि हम शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है, हम सनातन आत्मा है, पुनर्जन्म होते हैं, कर्म फल और मानसिक भावना के अनुसार भगवान है और हमारे सब का सनातन संबंध है भगवान भगवान से। तो ऐसे सरलता यदि हम लोग को समझेंगे तो समझ सकते। तो भगवद गीता का विषय, वो सब विषय जो भगवद गीता में है, वास्तव में अधिक कठिन नहीं है समझना, परंतु चूंकि हम अनादि काल से भगवान के विमुख हुए, हम भगवान से दूर रहना चाहते, हमें भगवद ज्ञान नहीं सुना, इसलिए हम भगवद गीता का विषय को कठिन लगते हैं। तो भगवद गीता में क्या शिक्षा है? तो पहली शिक्षा है कि शरीर अस्थाई है। तो वो क्या शिक्षा है सब जानते हैं नहीं? तो सब जानते हैं लेकिन नहीं जानते, फसन अपी ना फसत, सब लोग का हालात यही है कि हम देखते हैं कि सब लोग का मरण होते हैं और हम जानते हैं कि हमारे ईश्वरीय का मरण होगा, परंतु हम जीवन बीतने जैसे मरण नहीं होगा। हम देखते हैं बहुत वृद्ध लोग भी तो बहुत व्यस्त रहते हैं, व्यापार करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, और कि थोड़े दिन में उनका मरण होगा, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में विशेष सोच नहीं करते। तो हम जानते हैं कि शरीर अस्थाई है, परंतु हम जीवन बीतते जैसे हम नहीं जानते उसके बाद क्या होगा, मरण के बाद क्या होगा। अगर हम कोई आम व्यक्ति से पूछेंगे तो बताएंगे कि ओ तो कोई नहीं बोल सकते, हमें मालूम नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मरण के बाद कुछ भी नहीं होता, भस्मीभूत हस्य देहस्य किंग पुनः आगमन भवेत। शरीर तो आग में डालना है और समाप्त, जो था तो अभी नहीं है, तो वो सही है, वो शरीर जो था तो अभी नहीं है, परंतु शरीरी वो आत्मा जो शरीर में था वो शरीर ही रहते हैं, देही देहिनोस्मिन यथा देहे देहिन, देही का मतलब वो आत्मा जो एक देह शरीर से युक्त है, परंतु वो युक्ति सनातन
और वास्तविक नहीं है। ये भगवद गीता की पहली शिक्षा है। हमारे लिए ये वो पहली शिक्षा समझना कठिन है, क्योंकि जन्म से फायदा लेने से सब लोग हमसे व्यवहार करते जिससे हम ईश्वरीय है, और सब लोग तो आत्म परिचय करते शरीर के साथ। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे आप कौन है, तो कैसे उत्तर देगा, तो मैं संजीव गुप्ता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली में जन्म लिया था 24 साल के पहले, तो ऐसे ही उत्तर देगा। वो सब जो हमको बताएंगे तो शरीर के बारे में होगा 24 साल के पहले, हाँ ठीक है, और 27 साल के पहले कहाँ था, हाँ, और 100 साल के बाद कहाँ होगा, 27 साल के पहले मैं नहीं था, 100 साल के बाद तो शायद जो हमारे परमाराध्य साइंटिस्ट जन हमको ऐसे दवा दवा बनाएगा जिससे वो इंजेक्शन से हम बचेंगे, हम कभी भी मर नहीं जाएंगे। वो साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं, पहले ऐसे बोले कि हम ऐसे उपाय बनेंगे जिससे किसी का मरण नहीं होगा, आज तक ऐसे बोलते साइंटिस्ट, बहुत कुछ बोलते, बहुत बकवास बोलते। लेकिन वो संभव नहीं है। अंतवंत इमे देह नित्यास्योक्ता शरीर न, शरीर का मरण होगा परंतु शरीरी आत्मा का मरण नहीं होता। तो ये भगवद गीता की पहली शिक्षा है, और धीरे धीरे गीता में श्री कृष्णा उनकी अपना ऐश्वर्य के बारे में कहते हैं। ये भगवद गीता दशम अध्याय का सप्तम श्लोक है, और 3 श्लोक के बाद तो प्राय एक ही बात कहेंगे, नहीं 1 श्लोक के बाद, हम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समाभिता। तो 2 श्लोक में भगवान कृष्ण तो प्राय एक ही उपदेश देते, कितना महत्वपूर्ण है ये उपदेश कि भगवान कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्यमय है, और इनसे सब कुछ जो हम देखते हैं इनसे सब कुछ आता है, सब कुछ जो हम देखते हैं उसका अस्तित्व संभव है क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है। हम सर्वस्य प्रभव, मुझसे ही सब कुछ आते है, भगवान कृष्ण कहते हैं, मत सर्वं प्रवर्तित है, तो प्राय एक ही बात बोलते हैं। और इति मद्वा, जो इस तथ्य को पूरी तरह ज्ञात है, इति भजन्ते माम, कृष्ण का भजन, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो
भक्ति हम क्यों करेंगे? क्यों यदि हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम सनातन सच्चिदानंदमय जीव है और परम जीव परमात्मा भगवान कृष्ण है। कृष्ण भगवान स्वाधीन है और हम सब कृष्ण से पराधीन है और भगवान कृष्ण की शक्तियों ऐश्वर्यों ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव छंदं भग इतिंगिना भगवान की सभी ऐश्वर्यों इनकी सुंदरता वीर्य कीर्ति ज्ञान और वैराग्य सब असीम है। यदि हम पूरी तरह इस वचन को ग्रहण करेगा तो अवश्य है हम भगवान की सेवा करेंगे। तो भक्ति प्रचार में यही ज्ञान वितरण करना मुख्य है। तो लोग नहीं जानते हम कौन है, भगवान कौन है, माया मुग्ध जीव है, ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। सब जीव का सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। वो संबंध क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। तो सब जीव का सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण पूर्ण सच्चिदानंदमय है और सब जीव विस्फुलिंग जैसे भगवान। ये उदाहरण है शास्त्र में कि भगवान कृष्ण एक महान आग जैसे है और सब जीव वो आग के विस्फुलिंग जैसे है। तो यदि वो विस्फुलिंग तो आग में रहते तो उज्जवल रहते और अगर उससे बाहर आते तो वो छोटी छोटी प्रकाश और ताप जो विस्फुलिंग से आते तो बंद होते। तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण से दूर रहते, यदि हम कृष्ण से अलग रहते तो हमारा मूल स्वभाव कि हम सच्चिदानंदमय है वो लुप्त हो जाते। तो हम नहीं जानते कि हमारा शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ, इसलिए हम माया मुग्ध है। कृष्ण बाह्य मुख को है भोगवंच करे निकटस्थ माया थारे जापठिया दरे। क्योंकि हम कृष्ण बहिर्मुख है, हम कृष्ण की सेवा करने में राजी नहीं है, हम मायिक सुख चाहते हैं और इसलिए वो माया हमको पकड़ती है जोर से। तो इस प्रकार हम माया मुग्ध है, माया मुग्ध अर्थात माया से मोहित है और हमारा शाश्वत संबंध कृष्ण के साथ हम नहीं जानते। ये हाल अज्ञान कहते। तो हम माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, तो हम नहीं जानते हमारा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, इसलिए हम अविद्या में है। भवबंधन का मूल कारण है अविद्या। तो माया मुग्ध जीव है ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैल जीवेरे कृपा कैल वेद पुराण। तो भगवान कृष्ण व्यास अवतार के रूप में
पतित जीवों को कृपा देने के लिए वेद और पुराण शास्त्र रचना की। अनाथो पशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्सजे लोक से अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। तो एक ही वचन है श्रीमद् भागवत में कि इस पूरी भौतिक वस्त्र एक महान अनर्थ है। अनर्थ का मतलब जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो पूरी अवस्था अनर्थ है। इस अवस्था में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश मिलते पूरा अनर्थ है। तो लोग नहीं जानते कि ये सब अनर्थ तो तुरंत और पूरी तरह नष्ट होते हैं भक्ति योग करने से, अधोक्षज कृष्ण की भक्ति करने से हम सब अनर्थ से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए विद्वान व्यासदेव श्रीमद् भागवत को रचना की जिससे हम ज्ञान मिल सकते। तो ये वो ज्ञान क्या है कि हम जीव है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण के असीम ऐश्वर्यों है। इसलिए हमारा परम कल्याण हम आविष्कार कर सकते श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होने से। तो ये भगवद गीता की वाणी का सार अंश है। इसको समझना कठिन नहीं है, परंतु चूंकि हम माया मुग्ध जीव है, हम मूर्ख है, इसलिए हम कठिन जैसे लगते। तो इसलिए ऐसे सत्संग में ये सभी भगवद गीता श्रीमद् भागवत के विषय की चर्चा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन से चैतो दर्पण मार्जनम चित्त शुद्धि होती है। उस चित्त जिसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि कलुषों मुख्य है, उस प्रकार चित्त में कृष्ण भक्ति का उदय नहीं होते, आध्यात्मिक ज्ञान समझना संभव नहीं है। तो कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का पहला आसार है कि चैतो दर्पण मार्जनम काम क्रोध लोभ इत्यादि मिथ होते और धीरे धीरे पूरी भक्ति का उदय होते कृष्ण कीर्तन करने से। तो श्रवण और कीर्तन, हरिकथा का श्रवण करना चाहिए और कृष्ण नाम कीर्तन करना चाहिए। और विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप में वो सब विषय जो है उस पर हमें बार बार चर्चा करना चाहिए। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद का कृष्ण भक्ति प्रचार, जिसका पूरी पृथ्वी में विजय था, उनका प्रचार का आधार था भगवद गीता का ज्ञान। बार बार श्रील प्रभुपाद वो भगवद गीता के विषय को अन्य लोग माया मुग्ध जीवों को बताए।
तो इस भगवद गीता का ज्ञान समझना की पूरी आवश्यकता है कृष्ण भक्ति के लिए। यदि हम पूरा आश्वस्त है कि श्री कृष्ण भगवान है तो हम पूरी श्रद्धा से कृष्ण भक्ति करेंगे और श्रद्धा से भक्ति में प्रगति होती है। श्रद्धा वंजन हो भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। तो कनिष्ठ भक्त की श्रद्धा कोमल है, दृढ़ नहीं है, और मध्यम अधिकारी भक्त उत्तम अधिकारी भक्त की श्रद्धा दृढ़ होते हैं। तो हमारे श्रद्धा दृढ़ होने चाहिए, वही संभव है बार बार भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का तत्व ज्ञान सुनने से। हम पूरा आश्वस्त होंगे कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ये शिक्षा बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि बाहर सब कुछ जो हम देखते हैं उससे हम विपरीत शिक्षा मिलते। सूरत नागरी में, सूरत केवल सूरत में नहीं तो पूरी पृथ्वी में, पूरा जगत में सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं उससे हम शिक्षा मिलती है कि तुम ईश्वर हो, तुम जगत के भोगी हो, पूरा जगत तुम्हारा सुविधा के लिए हो। ये माया की शिक्षा है और उसका फल है माया का विश्वविद्यालय में PhD होना का क्या फल होते हैं? पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम। जड़ो विद्या जतो मायार भाई भाव तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जनमिया जीव के करिए गाधा। भक्तिविनोद ठाकुर तो युव काल में बड़ा शिक्षित हुए, तथा काल का आधुनिक ज्ञान से, और बाद में उन्होंने विलाप किया तो कैसे मेरा युव काल नष्ट किया जड़ विद्या अध्ययन करने में। वो क्या है माया, वो जड़ विद्या। जड़ विद्या का मतलब वो सब कुछ जो विद्या का नाम में चलते माया का जगत में, जड़ विद्या है वो सब विद्या जो भगवद गीता की विद्या से अलग है। मतलब तो वो विद्या तो वो अविद्या है, विद्या का नाम है अविद्या, वो माया का वैभव है। और वो क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण का भजन में वो बड़ा बाधा है, और इस भौतिक संसार में वो जीव वो गाधा जैसे बनाते। तो विद्या हम परम विद्वान भगवान कृष्ण से मिलना चाहिए, और वो विद्या का सारांश है कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आमी सिद्ध कृष्ण दास एक कथा भूले, मायार नफर होए चिरदिन भूले। मैं कृष्ण का शुद्ध भक्त हूँ, दास हूँ। ये वचन भूल के मैं बहुत काल से माया का नौका होकर इस संसार में भ्रमण करता हूँ। तो इस प्रकार यदि हम भाग्यवान है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो
भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद ए भाई भक्ति लता बीज। यदि हम भाग्यवान हो तो इस संसार का अपर्याप्त भ्रमण में यदि हम गुरु और कृष्ण की कृपा मिलते हैं, हम भक्ति लता बीज अर्थात शुद्ध भक्ति के बारे में धारणा हम मिलेंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए अभी। Hare Krishna.